आज की इस रेसिपी को बनाने में हम न तो टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और न ही लहसुन प्याज का। बिना लहसुन प्याज के ही यह सब्जी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि किसी को भी एक चम्मच भर के भी चखा दिया तो वह बिना भूख के भी 2-3 रोटी तो खा ही लेगा। हेलो दोस्तों, टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये व्रत स्पेशल आलू की सब्जी की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। आलू की स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने 70% तक आलू को बॉईल करके फिर इस तरह से कट करके ले लिया है। बाकी की 30% कुकिंग हम घी में करेंगे जिससे हमारी सब्जी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। पैन को चढ़ा दीजिए गैस पर और उसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच ही ऑयल। यदि आप पूरा घी में ही आलू को फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू और लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आलू को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं और इस तरह से आलू की सब्जी बनाकर खाते हैं, तो आप भी इस तरह से एक बार घी में आलू को फ्राई करके फिर व्रत वाली सब्जी बनाकर टेस्ट करना। यकीन मानिए आप बार बार इसी तरह से सब्जी बनाएंगे, फिर चाहे व्रत हो या फिर ऐसे ही बना रहे हो, क्योंकि न तो इसमें लहसुन प्याज की हमें ज़रूरत है और न ही इतने बड़े हुए दामों वाले टमाटर की, क्योंकि बिना प्याज टमाटर के ही आज की सब्जी इतनी खास बनेगी कि हर बार आप इसी तरह से बनाएंगे। अब हमारे आलू जब तक कुक हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सब्जी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप दही। यदि दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आप 1 कप की जगह 1/2 कप दही का ही इस्तेमाल करें। अब दही में डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। अब इन सभी मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दही को हमें अच्छी तरह से फेंट कर लेना है। यदि हम दही को अच्छे से नहीं फेंटेंगे ना तो यह सब्जी में अलग अलग से जाएगा और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इधर आलूओं को भी कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए तो इन्हें भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमें आलू को हल्का सा प्रेस करके देखना है। ये देखिए, यह बहुत ही आसानी से मैश हो गया है, यानी हमारे आलू अच्छी तरह से कुक हो गए। तो अब हम फ्लेम को बंद करके आलू को एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ है उसी में हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इतना सारा ऑयल अभी भी बच गया है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 4 से 5 मैंने डाली है काली मिर्च। काली मिर्च डालने से आलू की सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और साथ ही डाल देंगे 6 से 7 कड़ी पत्ते। हरी मिर्च के पकते ही हम इसमें डाल देंगे दही वाला मसाला। इस मसाले को डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो दही फट जाएगा। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमें दही को अच्छी तरह से पका लेना है। और ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट के अंदर ही दही ने ऑयल रिलीज कर दिया है, यानी दही अच्छे से पक गया है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे 1 गिलास गर्म पानी। यदि आप ज़्यादा झोल वाली सब्जी खाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 गिलास इतना पानी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे आलू। दोस्तों, गाढ़ी मलाईदार सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर एक खास टिप्स। इस तरह से आप थोड़े से आलूओं को स्पून की हेल्प से मैश कर दीजिए और फिर पानी उबलने के बाद डाल दीजिए और बाकी के आलूओं को ऐसे ही डाल दीजिए। इससे आपकी सब्जी गाढ़ी बनेगी और स्वाद भी बहुत बढ़िया से आएगा।
आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर हमें आलूओं को उबाल लेना है, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर आ जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी टेस्टी आलू की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो इसे आप व्रत में खाइए या फिर ऐसे ही बनाकर खाइए, आपके परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाएंगे, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और यदि आप भी किसी अलग तरह से आलू की सब्जी बनाना जानते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।